हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, तिरुपति फोर्ज की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंडर्ड ऑन फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है क्वार्टर एंडेड और फिनांशियल ईयर एंडेड का, जो कि आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर लैक्स में पहले क्वार्टर एंडेड कवर करेंगे। इनकम है 33.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 32.5 करोड़ का, और 23 मार्च 23 क्वार्टर में 23.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 30.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 29.7 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 20.8 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ था, जो कि एक्सपेंस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा, ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2.7 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 2.8 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिला है, लेकिन नेट प्रॉफिट 1.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 2.1 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिला है। EPS 0.19 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल देखने को मिल रही है। तो गाइज, रिजल्ट अगर देखा जाए तो एवरेज है, क्योंकि इनकम में इंक्रीज है लेकिन प्रॉफिट में डाउन है। लेकिन फिनांशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम है 110.9 करोड़ का, और 23 में 93.8 करोड़ का इनकम में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 101.89 करोड़ का, 23 में 81 करोड़ का एक्सपेंस, लेकिन बहुत ज़्यादा, जिसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। 8.9 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले, और 23 में 12.96 करोड़ का, जो कि बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 6.6 करोड़ का, और 23 में 9.4 करोड़ का डाउन देखने को मिल रही है। EPS 0.67 रुपीज़ का 23 से डाउन देखने को मिला है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो क्वार्टर एंडेड हो या फिनांशियल एंडेड, एवरेज है, क्योंकि इनकम तो इंक्रीज हो रहा है बट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने के कारण गाइस कंपनी के प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके शेयर की बात करेंगे, कंपनी का जो शेयर है 19 रुपीज पे क्लोज किया है, और 5% का क्रैश किया है गाइस। और कंपनी का रिजल्ट भी गाइस कोई खास पेश नहीं हुआ है। 1 मंथ में 11% का प्रॉफिट दिया, 6 मंथ्स में 72% की प्रॉफिट दिया, और 1 ईयर में 100% का प्रॉफिट है। तो गाइस, कंपनी का शेयर ऑलरेडी बहुत हाई पे जा चुका है, और यहाँ सब चांसेस की कंपनी अब जैसा फॉल देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आप इसके शेयर को ले रखे गाइस प्रॉफिट में है, तो आप इससे प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे, क्योंकि यहाँ से चांस है कि कंपनी अब डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही वीक पेश किया है। और अगर आप इसमें गाइज फ्रेश एंट्री करना चाहते तो वेट एंड वॉच कीजिए, करेक्शन होने दीजिए, उसके बाद आप इसमें एंट्री कीजिएगा। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डल दें।